कृषि बाजार समिति काला कानून के विरोध में बुधवार से राज्य के सभी प्रकार की खाद्यान्न से संबंधित दुकानें बंद की गई हैं। झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा कृषि बाजार समिति नामक काला कानून के रूप में 2% टैक्स लगाने के विरोध में मोर्चा खोल दिया गया है और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया गया है। वहीं आज अनिश्चितकालीन प्रतिष्ठान बंद के दूसरे दिन एक जुलूस गोला चौक से निकाली गई जो झंडा चौक पहुंची और वहां पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पुतला भी फूंका गया। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। कोई उधर से आश्वासन नहीं आया, क्या कहेंगे इस पर? जब तक नहीं कृषि कानून मंत्री कानून विधेयक आपस होगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और हड़ताल पे ही रहेंगे। ये काला विधेयक आपस होगा हम लोग का दुकान का ताला तुरंत खुल जाएगा। इस काला कानून के चलते हमारे 500 मोटिया मजदूर, ट्रक ड्राइवर सब बेरोजगार हो गए। सब रोज कमाना रोज खाना इन लोगों का जीवन में है। दिहाड़ी मजदूरी के रूप में काम भी करते हैं, सभी बेरोजगार हो गए हैं। ये काला कानून ही बहुत खतरनाक है। ये झारखंड कृषि उपज देश नहीं है, ये खनिज पदार्थ देश है। यहाँ खनिजों का उत्पादन होता है ज्यादा, कृषि का उत्पादन नहीं है। फिर भी गवर्नमेंट मैंने इस पर 2% का शुल्क लगा दिया है और ये शुल्क मैंने नया प्रधान में ये है कि अभी जो कानून बना रहा है इसमें पहले CEO हुआ करते थे अध्यक्ष, अभी सरकारी आदमी जैसे जिसका सरकार है वो अपना प्रतिनिधि करेगा, वो जिसको चाहे उसको करेगा। ये गुंडा राज हो जाएगा। ये नेता लोग आएंगे अब सस्ता है, डंडा दिखाएंगे, बोलेंगे लाओ इतना पैसा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है, व्यवसाय संघ का सेक्रेटरी हूँ।